नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं फ्लेक्स बैनर डिज़ाइन। देखिए, ये इमेजेस लगा रखी है, ये फ़ोटोज़ लगा रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर लगा रखे हैं, बैकग्राउंड लगा रखा है, ये सारी चीज़ें हम एक साथ कलेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड इस फ्लेक्स बैनर को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में सीखना है अपने। तो चलिए बड़ी शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप कर रखा है, क्योंकि टेक्स्ट टाइप करने जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने पहले से टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे। आपके सामने देखिए इस टाइप का प्रीव्यू मोड आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, देखिए ये फोर साइज है, हम सबसे पहले हम मिलीमीटर की जगह हम करेंगे फिट, यहाँ पे हम करेंगे देखिए 3, 3 एंटर कर देंगे, नीचे कर देंगे देखिए हाइट कर देंगे 1 फिट, ठीक। देखिए बन गया, जिस साइज़ में हमें बैनर बनाना है यानी फ्लेक्स बनाना है उस साइज़ में हमने उस साइज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया, यानी पेज को उस साइज़ में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम करते हैं सारी इमेजेस वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में गया, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, देखिए कंट्रोल आई से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक ये फ़ोटो, ये सारी फ़ोटो हम इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद देखिए ये आता है आपका रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे जाएंगे हम माउस का लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करेंगे, 1-2 जैसे डबल क्लिक करेंगे, हमने जितना बड़ा बॉक्स यानी जितना बड़ा साइज़ ले रखा होगा उस साइज़ का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखिए, उसके बाद हमें जो बैकग्राउंड है इसको बड़ा करना है, स्ट्रेच नहीं करेंगे, देखिए खींचेंगे नहीं, खींचेंगे तो देखिए अंदर का बबल स्ट्रेच हो गया, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम साइड से पकड़ के ऐसे करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिक प्लेस इनसाइड फ्रेम। उसके बाद हमें इसके यदि फॉरवर्डिंग करनी है तो कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक एडिट पावर क्लिक, अपने हिसाब से ऊपर नीचे जैसे जहाँ पे भी रखना है रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम ये लगाएंगे फ़ोटो, ये पीएनजी फोटो ले रखी है। देखिए दोस्तों, इसकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें, पैनर जेपीजी वगैरह सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। हम इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक। देखिए आउटलाइन है, आउटलाइन को हम रिमूव कर देंगे, ठीक। उसके बाद हमें ये लगाना है, इसको हम कर देंगे थोड़ा बड़ा, इतना। उसके बाद इसको हम यहाँ पे नीचे लगा देंगे, देखिए बैक साइड में आ रहा है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर, देखिए ये आएगा नहीं, इसको हम कर लेंगे, देखिए टॉप टू फ्रंट आ गया फ्रंट, इसको हम बड़ा कर लेंगे यहाँ तक, इसको हम नीचे लगा देंगे। ठीक ऐसा है, ठीक, छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक। इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, साइड कर लेंगे और इसको पकड़ के देखिए ऑब्जेक्ट पावर क्लिक प्लेस इनसाइड फ्रेम। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये है हमारा टेक्स्ट, इन टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है सेलेक्ट, या तो आप एडिट में जाइए कॉपी करिए, या तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, ठीक। इसको हम कर देते हैं साइड, इसको हम कर देंगे बड़ा, शिफ्ट पकड़ के इसको बड़ा कर देंगे यहाँ तक, ठीक। आइसक्रीम सेंटर को हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको हम सेंटर करेंगे, अलाइन अलाइन डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, इसको हम बड़ा कर लेंगे इतना बड़ा, इसका हम कलर कर देंगे वाइट, इसको हम दे देंगे ड्रॉप शैडो, देखिए ठीक। और नॉर्मल यहाँ पे जाएंगे आउटलाइन, ठीक। यदि और भी आपको कुछ करना है चेंजेस, देखिए इसमें यदि कुछ कलर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, देखिए रेड ब्लैक वाइट यदि कुछ भी करना है, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसको ब्लैक ही रखेंगे,
ठीक। उसके बाद हम क्या करना है, ये लगाना है। इसको भी हम करेंगे शिफ्ट दबाएंगे, ऊपर वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे सेंटर, इसको हम बड़ा कर देंगे। सारी पार्टी के ऑर्डर बुक किए जाते हैं, ठीक। इसको हम करेंगे थोड़ा सा ऊपर, और ये देखिए ये आपका कॉलस, इसको हम सेंटर कर देंगे। देन इसको बड़ा एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक, सेंटर में, पूरे बैनर के सेंटर में बॉक्स क्रिएट कर लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाएंगे शेप में, इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे, ठीक, इसको मोड़ देंगे, दूसरा इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे इतना, इसको करेंगे वाइट कलर, माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो वाइट कलर, और राइट की प्रेस करेंगे यहाँ पे ऊपर जाके तो ये आउटलाइन डन हो जाएगी, ठीक। अब इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड फ्रेम, ठीक। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा पकड़ के नीचे कर लेंगे इतना। अब जो हमने इसको कॉपी करके रखा था पहले, इसको हम सेंटर में लगाएंगे। देखिए सेंटर में लगा के देखते हैं कि कैसा आएगा। यहाँ पे लगा दिया हमने, इसको हम करेंगे ट्रांसपेरेंसी, ओपेक्सिटी कर देंगे हम 75% करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे ऑब्जेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम यहाँ पे, ठीक। और हम क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक। इसको सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड में जो बॉक्स बनाए उसको सेलेक्ट किया, इसको कर देंगे सेंटर। इसको हम साइज ले लेंगे, हम ले लेते हैं 10, बहुत ज़्यादा हो गया, हम कर देंगे 4, ठीक है, 4 भी बहुत ज़्यादा है, हम कर लेंगे 2 इनफ है, ठीक। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, देखिए इतने सारे मोड है, आप चेंजेस करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम करेंगे कलर, ये मोड अच्छा है इसलिए हमने कलर चूज कर रखा है। देखिए व्यू फुल स्क्रीन, ये हमारा बैनर रेडी हो चुका है। इसका एक फॉर्मेट हम और बना लेते हैं, देखिए इसको सेलेक्ट कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, और इसको नीचे ले गया, ठीक। बैकग्राउंड, सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, इसके पीछे हम कर देंगे, देखिए कलर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। इसका हम कलर करेंगे, देखिए F11 किया मैंने, इसको ऐसे कर देंगे, एंड देन इसका कलर क्या रखा है 6000, हम क्या कर देंगे इसको 100 येलो कर देंगे, ठीक। अब इसको हम ऐसे मोड़ देंगे, देखिए आपके पास ये दो डिज़ाइन बनी है। बैकग्राउंड में आप देखिए कुछ भी लगा सकते हैं, आप मान लीजिए हम ले लेते हैं, देखिए बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड सर्च करते हैं, देन हम मान लेते हैं, देखिए दिखा देते हैं आपको, ये लगाते हैं, चलिए कॉपी किया, देन इसको हमने दोबारा कॉपी करके इसको यहाँ पे रख दिया, इसको कंट्रोल वी कर दें, ठीक। अब कैसा आएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक। राइट क्लिक, ऑर्डर, बैक पेज, ठीक, और देखते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, अच्छा लग रहा है ये भी। इसको हम चाहें तो थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसको हम आउटलाइन रख लेंगे क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक। इसको भी आप चाहे तो एक और क्रिएट करके देख सकते हैं, हमने ये वाला कर लिया है, अब चाहे तो ये वाला लगाते हैं। देखिए हमने कॉपी कुछ, हमने कुछ सेव नहीं किया, डायरेक्ट राइट क्लिक करके कॉपी किया है, देन यहाँ पे जाके पावर क्लिप के अंदर जाके पेस्ट कर दिया है। कहाँ गया हमारी इमेज, ए
ठीक है, सारी इमेज को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, इस इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब एक बार ट्राई करते हैं कैसा आ रहा है। देखिए ये भी अच्छा है, हमारी चारों डिज़ाइन अच्छे बने हैं एक बार में। ठीक, देखिए देव फुल स्क्रीन। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।